अगला स्टेशन उद्योग भवन है। नेक्स्ट स्टेशन इज उद्योग भवन। दिल्ली मेट्रो में रोजाना लाखों लोग इसी आवाज के साथ अपना सफर तय करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि कुछ लोगों को ये अनाउंसमेंट्स मुंह जुबानी तक याद हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दिल्ली मेट्रो के पीछे जिस शख्स की आवाज़ है वो कौन है? दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो को जिसने आवाज़ देकर के अमर बना दिया है, वो शख्स यानी कि शम्मी नारंग से हमने खास बातचीत की है। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद दिल्ली मेट्रो दोबारा शुरू होने वाली है। मेट्रो का जब जिक्र होता है तो मेट्रो की तस्वीर सामने आ जाती है और मेट्रो के अंदर जो अनाउंसमेंट होते हैं वो आवाज हमारे जहन में घूमने लगती है। जिस शख्स की वो आवाज है, दिल्ली मेट्रो की जान, दिल्ली मेट्रो की पहचान, वो शख्स शम्मी नारंग जी हमारे साथ है। सर, बहुत शुक्रिया आपने हमको समय दिया। थैंक यू सो मच जी। सर, दोबारा मेट्रो शुरू हो रही है लंबे समय के बाद, मैं आपसे बातचीत तो हम करेंगे, पहले आप ये बताइए सर, कैसे कोलैबोरेशन हुआ आपका दिल्ली मेट्रो के साथ कि आपकी वॉइस उसमें जाएगी? सर, ये 99-2000 की बात है, 99-2000 की। उन दिनों में मतलब पूरी जद्दोजहद चल रही थी इसे शुरू करने की। लाइनें बिछ गई थी, स्टेशन बन गए थे और ट्रायल बेसिस के ऊपर, और एक छोटे साइज की रेलगाड़ी एक छोटे ट्रैक के लिए, मतलब जो शायद वो 30,000 से शाहदरा तक था, वो तो पहला जो ट्रायल जिसे बोलते हैं, उसके लिए गाड़ी मंगा ली गई। तब एकदम से ख्याल आया कि साहब गाड़ी के अंदर इन ट्रेन मैसेजेस भी होते हैं, उद्घोषणाएं भी होती हैं। तो तब श्रीधरन साहब उसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे, चेयरमैन थे, तो उन्होंने कहा ठीक है अभी ऐसा करो, कोई आपके जहन में कोई अगर आवाज़ें हो तो बताओ। तो उन्होंने कहा साहब ऐसा करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं अंग्रेजी में खबरें देखता हूं, तो एक मुझे एक रिन्नी खन्ना है और देयर इज वन बॉय हु रीड्स इन हिंदी, आई रियली लाइक हिम। तो उन्होंने कहा कि आप शम्मी नारंग की बात कर रहे हैं? ओ या या या, नारंग नारंग नारंग। ये बातें मुझे बाद में मालूम पड़ी, जो लोग उस वक्त कमेटी में होंगे। तो वी डोंट प्रॉमिस देम एनीथिंग, कोई वादा नहीं करते उनसे, लेकिन बहुत छोटे से रिक्वायरमेंट, अभी तो चंद स्टेशन हैं, चंद हिदायतें हैं, निर्देश हैं, तो इस वजह से अभी इनको रिकॉर्ड करा के देख लेते हैं। और अच्छी बात यह है कि इनका खुद का स्टूडियो भी है। मेरे को फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे, तो जाहिर सी बात है कि आप और रिन्नी खन्ना दोनों खबरों से भी जुड़े हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि आप हमारी ये छोटी सी अनाउंसमेंट्स हैं ये आप करिए। तो हमारा हमेशा एक मकसद होता है, और ये सबसे पहले हम पूछते हैं क्लाइंट से कि साहब आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, जो सुनने वाले लोग हैं, वो कौन हैं। तो अगर सपोज कीजिए बहुत ही सफिस्टिकेटेड है, तो हमारी टोनालिटी वैसी हो जाएगी, हमारी वॉइस वैसी हो जाएगी। गांव का सीन है तो हम एक सरपंच बन जाएंगे, है ना? तो ये हम लोग सब जानते हैं ये करना। तो हमने पूछा कि आपको, तो वो कहते हैं यार हमें भी ज़्यादा नहीं पता, आप ही क्यों नहीं कुछ सुझाव देते हमें जी। तो हमने बोला दो चीज़ें साहब, एक तो ये है कि उच्चारण का पूरा ख्याल होना चाहिए। अगर मुझे जोरबाग बोलना है तो बाग का पूरा ग नुक्ता सुनाई देना चाहिए जी। क्योंकि जब दुनिया चढ़ेगी और वो यकीनन हमारी आवाज़ को पहचानेंगे, तो कहेंगे यार शम्मी नारंग से उम्मीद नहीं थी या रिन्नी खन्ना से उम्मीद नहीं थी कि वो भी मिसप्रनाउंस करें इसे, है ना? तो पहला तवज्जो इस पर होगी, और दूसरी बात होगी कि इसका जो अंदाज होगा वो स्टाइल होगा बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, बिल्कुल अलग होगा। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जब हमारी रेलगाड़ी चले, सॉरी मेट्रो ट्रेन चलेगी, तो जाहिर सी बात है उसके अपने पहियों की आवाज़ होगी, उसकी एयर कंडीशनिंग की आवाज़ होगी, उसमें लोग होंगे जो बात कर रहे होंगे, और पटरियों पर भी किसी भी चीज़ की चलने की आवाज़ आएगी आएगी। तो ये मान के चलिए कि जिसे एम्बियंस साउंड कहते हैं, वातावरणीय आवाज़ जिसे कहते हैं, वो आवाज़ होगी। और उसको आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आपकी आवाज़ बिना चिल्लाए उस आवाज़ को चीर दे, और उसे चीरने के लिए आपको अंदाज़ बदलना पड़ेगा। तो हमने जब अंदाज में भेजा
नॉर्मली जैसे निखिल मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि निखिल बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे बात करके, है ना, पर उसमें हमने इस तरह से बोला कि आपने मॉड्यूलेशन किया उसके लिए। हाँ, मॉड्यूलेशन, बल्कि ये कही कि हमने मॉड्यूलेट बिल्कुल नहीं किया, हमने बिल्कुल स्ट्रेट रखा। अगला स्टेशन 30,000 है, क्योंकि मुझे अभी लग रहा है मैं मेट्रो में हूं सर। तो इसलिए कहा, ये सब इसलिए बोला ताकि जो यात्री है, जो ट्रेन के अंदर है, उसे एकदम से समझ आ जाए। और देखिए, हमारे वॉइसर्स का पहला असूल भी यही होता है कि अगर मैं निखिल से बात कर रहा हूं तो निखिल को मेरी पूरी बातचीत में कहीं ये ना कहना पड़ जाए, सर दोबारा बताएंगे आपने क्या कहा। हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी, आम बातचीत में भी कोशिश करते हैं कि सामने वाले को ये मौका ना दिया जाए कि वो कहे पार्डन प्लीज, कम अगेन, या फिर से। सर फिर कितना समय लगा ये, क्योंकि आपने एक एक स्टेशन का अलग से किया होगा, दिल्ली में कई सारे स्टेशन है, कितना समय आपको लगा पूरा सर रिकॉर्ड करने के लिए? निखिल एक बात जहन में बिठा लीजिए कि जितने आप मैसेजेस सुनते हैं ट्रेन के अंदर, आप क्या सुनते हैं कि स्टेशन कौन सा है, अगला स्टेशन कौन सा है, दरवाजे दाएं या बाईं ओर खुलेंगे, कृपया फर्श पर मत बैठिए, किसी भी संदिग्ध वस्तु को हाथ मत लगाइए, ये गिने चुने से मैसेजेस हैं। इसके अलावा ये जितने आप सुनते हैं, ये पूरी रिकॉर्डिंग का सिर्फ 10% है। 90% हम बहुत सारे मैसेजेस और रिकॉर्ड करते हैं जो आपातकालीन मैसेजेस होते हैं। कल को गाड़ी खराब हो गई, कौन सी गाड़ी उसे खींचेगी, पीछे वाली आगे वाली, उस स्टेशन पे गाड़ी रुकेगी भी या नहीं रुकेगी, अगर कोई अप्रिय घटना हो जाती है, आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है, उसके अलग से मैसेजेस हैं कि आप कृपया इस दरवाजे से निकास करिए, आप लिफ्ट का प्रयोग मत करिए, आप एस्केलेटर पर यूं मत करिए। तो इतने सारे निर्देश और नियम उस वक्त आपके सामने आ जाते हैं जो हम रिकॉर्ड करते हैं, और उसकी ओरिएंटेशन, उसकी ट्रेनिंग, उसका प्रशिक्षण हर जो एक ट्रेन पायलट होता है उसको होती है। उस तो वो खुद नहीं माइक्रोफोन उठा के कहेगा, उसको मालूम है, वो एकदम से वो अपना माइक्रोफोन दबाएगा, बटन दबाएगा और वो वाली उद्घोषणा। सर बहुत अच्छा ही आपने दिलचस्प वाक्य बताया। सर जब मैं पहली दफा दिल्ली आया था, मैं दिल्ली के बाहर का रहने वाला हूँ, मेट्रो का अनाउंसमेंट सुना, कुछ समय मेट्रो में ट्रेवल किया, वापस जब गया तो मेरे माइंड में मेट्रो के अनाउंसमेंट थे कि दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे, अगला स्टेशन ये है। इसके अलावा सर जब मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया तो जब 3-4 दिन हो जाते थे मेट्रो में बिना सफर किए, अजीब सा लगता था, मतलब मेट्रो में लगता था बीच बीच में सफर करते रहना चाहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये कुछ मेरी यादें हैं। सर आपकी क्या यादें हैं, आपने भी सफर किया होगा? मैंने आपको याद आता है आपकी तरह, मतलब सच पूछिए तो 2-3 मरतबा एक आम यात्री की तरह सफर किया, लेकिन टेक्निकल टीम कई बार आपकी अपनी रिकॉर्डिंग सुनाने के लिए जी आपको ले जाते थे, ताकि हम लोग, क्योंकि टेक्निकली भी हम ही देखते हैं उसकी रिकॉर्डिंग के लेवल्स वगैरह, तो इस वजह से वो कहते थे कि मिस्टर नारंग कि आप हमारे साथ चलिए और आप खुद सुन के बताइए कि क्या जो अनाउंसमेंट आ रही है वो अगर कम सुनाई दे रही है तो वो प्रॉब्लम हमारी है या आपकी रिकॉर्डिंग की है। वैसे हमारी रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम नहीं होती कभी भी, क्योंकि हमारे लेवल्स बड़े सेट होते हैं हमेशा और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होते हैं। ये कई बार क्या होता है, जो प्लेबैक का जो वॉल्यूम होता है वो थोड़ा कम होता है, तो उसको बता देते हैं कि साहब इसका आप डेसिबल लेवल थोड़ा बढ़ा दीजिए। अच्छा, तो वो चलता रहता है। तो इस वजह से टेक्निकल टीम के साथ एक बार गया, 2-3 बार, अगर उनको लगता है कि कुछ इसमें इस चीज को दुरुस्त कर सकते हैं या इसको बेहतर बना सकते हैं, इस वजह से आपको ले जाते हैं। और 2-3 मरतबा बिना बताए किसी को कि मैं कौन हूं, एक मरतबा मैं अपने भाई के साथ, वो जर्मनी से आए थे, वो उन्होंने वहां सुना कि आपके भाई की आवाज़ सुनाई देती है, आपके भाई की आवाज़ सुनाई देती है, तो कहने लगे यार हमें भी लेके चलो, हम भी सुनना चाहते हैं। तो हम मालवीय नगर स्टेशन से बैठे थे और चांदनी चौक तक गए थे ताकि वो सीसगंज गुरुद्वारे में माथा भी टेक लें, हाँ, और मेरी आवाज़ भी सुन लें और मेट्रो का। और सबसे पहला जो लोग बाहर से आते हैं, ये आपको सुन के बड़ा गर्व महसूस होता है उस वक्त, जब वो कहते हैं कि यार आपकी मेट्रो तो हमारे यहाँ से बहुत बेहतर है। तो क्या हुआ, जब मैं उनके साथ बैठा था, रविवार का दिन था,
खाली थी, गाड़ी भरी नहीं हुई थी। उसमें मैं बैठ गया तो मेरे सामने एक माँ और एक बच्चा बैठ गए, तो मैं जो जो उसको मेरी आवाज सुनाई देती थी वो उसको रिपीट करता था, उसकी नकल करता था। जैसे मैं कहा आई एन, वो पीछे से बोलता था आई एन ए, मैं बोलता था एम्स, वो बोलता था एम्स। तो ये सुनते सुनते अब फिर उसने बिल्कुल, क्योंकि एकदम ही सामने बैठा है ना और भीड़ नहीं थी तो सुनाई भी दे रहा था सब कुछ, और मेरा ब्रदर स्माइल कर रहा है, वाह यार बॉस क्या मतलब अंदाज है आपका कि लोग बच्चा बच्चा आपकी नकल करने की कोशिश करता है। तो उसने कहा मम्मा ये अंकल के कितने मजे होंगे कि ये ट्रेन में ही घूमते रहते हैं सारा दिन। ये आदमी है जो कहीं इंजन में बैठा हुआ है आगे सबसे पहले डब्बे में। सो दैट वाज अ वेरी नाइस थिंग। तो ये जब सुनाई देता है इस तरह से कि लोग आपको डिस्कस करते, आपको लगता है कि आपने बस अनाउंसमेंट करी, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। पर फिर अब लगता है कि आप जब एक जमाने में जब आप स्कूल्स में कॉलेजेस में एक विशिष्ट अतिथि बन के जाते थे, तो उसमें लिखा होता था हेयर कम्स एन ए पॉपुलर न्यूज रीडर, है ना। अब ये कुछ नहीं है, अब बड़े बड़े बैनर्स लगते हैं वेलकम मेट्रो अंकल। मतलब तो सर आपको क्या कहलाने में अच्छा लगता है, मेट्रो अंकल या न्यूज प्रेजेंटर? अब देखिए मैं सिर्फ ईश्वर का यहाँ मतलब एक धन्यवाद करता हूँ, इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि मतलब जब हम दूरदर्शन से, जब दूरदर्शन छूट गया 2001 में, तो बोला कि तब भी ईश्वर का हम धन्यवाद आभार व्यक्त करते थे कि बहुत अच्छी बात है यार आपने 20 साल हमको इस तरह की शोहरत, इस तरह की मकबूलियत, है ना, ऊपर वाले तूने दिलवा दी। पर मालूम नहीं था कि उसके छूटने के बाद फिर दूसरा अध्याय शुरू हो जाएगा। सही, यहाँ एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा माइलस्टोन क्या था, जैसे कीर्तिमान कहते हैं, क्योंकि आप न्यूज प्रेजेंटर भी रहे हैं, बहुत कम लोग जानते हैं कि ये उसी शख्स की आवाज है। चलिए मुझे जानकारी थी कि शम्मी नारंग जी की आवाज है, तो आपके लिए क्या सर कीर्तिमान था जो बदल गया चीजें? कीर्तिमान, पहले कोई कीर्तिमान नहीं पता था क्या है, लेकिन आप ही की तरह एक पत्रकार, एक बिटिया रानी मेरे पास आई तो उन्होंने मेरी आंखें खोली। उन्होंने कहा कि कीर्तिमान जानते हैं आपका क्या है, जो कीर्तिमान कभी टूटेगा नहीं। अरे टूटेगा नहीं, मैं समझा नहीं आपका मतलब। बोले सर जब तक मेट्रो है और जब तक हुडा सिटी सेंटर का नाम हुडा सिटी सेंटर है, राजीव चौक का नाम राजीव चौक है, राजौरी गार्डन का नाम राजौरी गार्डन है, तब तक आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे भी कहेंगे कि हमारे दादा के दादा के दादा की वॉइस है, डिजिटल वॉइस है, खराब होगी नहीं, तो ये तो चलती रहेगी, बदली जाएगी नहीं। तो एक कीर्तिमान इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये कीर्तिमान कभी आपका टूटेगा ही नहीं। तब समझ आया हाँ यार ये तो कभी हमने रियलाइज ही नहीं किया इस बात को। सही बात है। ये जो आप कह रहे थे, अब लगता है कि जितनी बार मैं अनाउंसमेंट्स करता हूं या रिकॉर्ड करता हूं उतनी बार लगता है कि यार मैं तो रोज एक नया कीर्तिमान बना रहा हूं इसके लिए। आज एक और स्टेशन जुड़ गया, आज एक और नियम जुड़ गया, आज एक और निर्देश जुड़ गया। और आप जैसा कि आप बता रहे हैं कि पूरे देश में कहीं भी मेट्रो अगर चलेगी तो उसमें आपकी अरिणी जी की आवाज होगी, अगर हिंदी की अगर बात है तो। ये बहुत अच्छी बात सर आपने बताई है। कुछ सर शायरियां हैं दिल्ली मेट्रो के अनाउंसमेंट पे, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। मैं सोशल मीडिया पे एक वेबसाइट पे पढ़ रहा था। हां यार बड़ा अच्छा लगता है सर। तो कुछ इस कदर है, पहला बताता हूँ मैं आपको। अरे वाह। कोई दूर रहकर भी दिल के बहुत पास है। वाह। कोई दूर रहकर भी दिल के बहुत पास है, अगला स्टेशन हौस खास है। अरे वाह। कसम से अगर ये हम स्टाइल करना है ना तो अब ये है कि गाड़ी स्टेशन निकल जाएगा, लोग उसे ही सुनते रह जाएंगे। वो ये सब आने वाले टाइम में जो भी जहाँ मेट्रो शुरू वहाँ आप कर सकते हैं। अरे वो भी हो जाएगा, फिर कहेंगे सर अब ऑर्केस्ट्रा भी लेके बैठिए और गाते हुए। सर दूसरा सुनाता हूँ मैं आपको। एग्जाम्स में पास होना है तो मन लगा कर पढ़ाई करें। एग्जाम्स में पास होना है तो मन लगा के पढ़ाई करें। पुरुष यात्रियों से अनुरोध है कि वो महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे में ना चढ़े। अरे वाह। जरूर समझ आएगा, जरूर समझ आएगा ये बात। सर आखिरी वाला मैं आपको बताता हूँ। दिल लगा कर किसी का दिल तोड़ना बहुत बुरी बात है।
दिल लगाकर किसी का दिल तोड़ना बहुत बुरी बात है, क्योंकि ऐसा करना दंडनीय अपराध है। अरे वाह वाह यार, उसको मैं पहले तो सलाम भेजना चाहता हूँ जिसने ये लिखा। अगर आपने लिखा है तो मतलब मैं आपके जज्बे को, आपकी शायरी को सलाम करता हूँ। सर मैंने ये सोशल मीडिया से, वेबसाइट से लिया, मुझे लगता है आपके साथ शेयर करना चाहिए था। अरे वो गुमनाम रह जाते हैं लिखने वाले, पर अगर वो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं तो मेरा सच पूछिए तो नमन है उनको, सलाम है। वाकई में सर क्रिएटिविटी बहुत बढ़िया है। सर हम खत्म करने की ओर है, लेकिन मैंने सुना था कि एक समय ऐसा था कि ये कहा गया कि इंदिरा गांधी जी की जो रिपोर्ट्स बनेंगी उसमें शम्मी नारायण जी की आवाज होगी, क्या था वो किस्सा सर? ये सिर्फ इंदिरा जी के साथ ही नहीं था, ये ज्यादातर जितनी भी कोई अहम जो असाधारण जितनी घटनाएं या दुर्घटनाएं, चाहे वो बहुत अच्छी नहीं रही जिंदगी में, उसके लिए कहा जाता था कि आज ये खबर अहम है, इसके लिए एक तो इन्हें बुलाया जाए। तो क्या होता था, इंदिरा जी के टाइम में जब प्राइम मिनिस्टर दौरे पे जाती थी तो उसी दिन वो लौट के आ गई या अगले दिन लौट के आई, तो उसकी एक रिपोर्ट तैयार होती थी। वो हर चैनल बनाता है नॉर्मली, है ना, क्योंकि कैमरामैन जाता था वो कैमरा, अब तब लाइव तो ट्रांसमिशन बहुत मुश्किल होती थी, तो आके उसे कंपाइल किया जाता था। तो जब कंपाइल हो जाती थी तो उस स्टोरी को नॉर्मली एक एडिटर या कोई भी पढ़ देता था, तो वो उनको लगा कि ये मतलब इतना अहम दौरा करके आई हैं तो आवाज जो आ रही है पीछे से, जिसे वॉइस ओवर कहते हैं, वो इंसाफ नहीं कर पा रहा उस प्रेजेंटेशन के साथ। तब तक ऊपर वाले की फजल से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था, लोगों तक आवाज पहुंचनी शुरू हो गई थी और पीपल स्टार्टेड लाइकिंग मी आल्सो, उनका प्यार था। तो उसके बाद एक दिन डायरेक्टर साहब के पास चिट्ठी आती है कि अब जब भी इंदिरा गांधी जी या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आल्सो, ये तो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से आता है ना जी, कि जब भी इनकी रिपोर्ट हो, बने, कंपाइलेशन हो, आवाज शम्मी नारंग की होनी चाहिए अगर वो हिंदी में है तो। वैसे हिंदी में ही होती, 99% वो हिंदी में ही होता था। सर लॉकडाउन का समय है, 6 महीने से सब लोग घरों के अंदर हैं, आपकी आवाज के लोग कायल हैं, आपकी आवाज से दिल्ली मेट्रो का एक वो जिक्र आता है, पर क्योंकि आप 6 महीने से घर पे हैं तो आपके परिवार वाले, स्पेशली आपकी सर वाइफ, आपकी आवाज सुन के सर बोर हो गई होंगी। नहीं, वो अब उनके पास, बेचारों के पास अब कोई चारा नहीं है, यू नो लाइक आखिरी वक्त में क्या खाक मुकदमा बनेंगे, अब तो इन्हें और झेलना पड़ेगा। मतलब वो कुछ लोग बहुत फेड अप हो चुके होंगे और कुछ लोग बहुत मिस कर रहे होंगे। नहीं सर, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग मिस कर रहे होंगे, और दोबारा एक हफ्ते बाद शुरू होने वाली है मेट्रो, तो आपकी आवाज और वो पूरा सर जो एम्बियंस है दोबारा सुनने को मिलेगा लोगों को। चलिए सर, जाते जाते मैं आपसे सर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी आवाज में लोगों के लिए, क्योंकि अब कोरोना के वक्त में नियम कायदे कानून सब बदल जाएंगे, ट्रैवलिंग का तरीका बदल जाएगा, आपकी आवाज में क्या मैसेज देना चाहेंगे सर, अब जो लोग मेट्रो में ट्रैवल करेंगे तो? यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सुख सुरक्षा और सुविधा के दरवाजे उसी तरह से हमेशा के लिए आपके लिए खुले रहेंगे। आपसे निवेदन है कि इन्हें इसी तरह खुशहाल बनाए रखने के लिए सरकारी नियमों का पालन करें, हाथों को सैनिटाइज करें, मास्क लगाएं और जो भी बताई गई दूरी है उस दूरी को जरूर बनाए रखें। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका सफर सफल हो। चलिए सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमको समय दिया और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके सर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू निखिल, थैंक यू सो मच।